अक्षय कुमार इंडस्ट्री के ऐसे स्टार हैं जो हर साल 4 से 5 मूवी की सौगात फैंस और बॉक्स ऑफिस को देने के लिए जाने जाते हैं और ये कारवां अक्षय साल 2020 में भी कंटिन्यू करते दिखेंगे, क्योंकि 2020 से लेकर 2021 तक अक्षय अपनी मूवीज के लंबे लिस्ट पहले ही लिए खड़े हैं। लेकिन हो सकता है कि अक्षय की एक फिल्म थोड़ी आगे खिसक जाए। लेकिन आखिर ऐसा क्यों करेंगे अक्षय, तो वजह हम बताते हैं आपको। दरअसल अक्षय की फिल्म बच्चन पाने 2020 में क्रिसमस के मौके रिलीज होने वाली है और फैंस को भी अक्षय के अन्ना अवतार में देखने का काफी इंतजार है। लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की माने तो हो सकता है कि अक्षय की फिल्म आगे खिसक जाए। जी हाँ, दरअसल जिस टाइम अक्षय की मूवी बच्चन पांडे दस्तक देने वाली है, ठीक उसी वक्त मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर भी अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा के साथ हाजिर हो सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कि इस महा क्लैश से बचने और आमिर की फिल्म को चांस देते हुए अक्षय बच्चन पांडे की रिलीज में थोड़ा बदलाव कर दे। देखिए बॉलीवुड हंगामा ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। सोर्सेस क्लोज टू द टीम ऑफ बच्चन पांडे हिंट्स दैट द फरहान सामजी डायरेक्शन माइट गेट ऑन द सेट डेट। The scripting of the film is taking longer than usual. Though a final call is yet not taken, the producers are thinking of postponing the shoot. The other reason is that Aamir Khan starrer Lal Singh Chadda is also releasing on Christmas 2020. Though his last film, The Talk of Hindustan, flopped, his creativity intact and his film always generated in tandems excitement and emerged as the biggest grossers of the year. Lal Singh Chadda looks excellent and there's something in Aamir Khan's tone. Hence, a clash can prove detrimental, which why Bachchan Pandey might move. यानी आमिर से दोस्ती निभाते हुए अक्षय अपनी एक फिल्म थोड़ा आगे खिसका सकते हैं। हालांकि अभी तक ना तो अक्षय और ना ही उनकी टीम की तरफ से इस बात पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो एक रिलीज आगे बढ़ जाने से अक्षय के फिल्मी ग्राफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2020 की एंड से लेकर 2021 की शुरुआत तक सिर्फ अक्षय की ही फिल्मों का बोलबाला होने वाला है। ये बात तो पक्की है।